फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर हम डीएससी कैसे रजिस्टर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो है ना, डीएससी रजिस्टर करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर हमको जो है एम सेंगर का जो है ना एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो है ना डीएससी को रजिस्टर किया जाता है। तो आइए फिर देखते हैं कि जो है ना एम सेंगर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमको जीएसटी पोर्टल पर आना होगा। जीएसटी पोर्टल का तो जो है ना वेबसाइट है gst.government.in, जो है ना यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे जब आते हैं वहां पे फिर जो है ना आप लॉग इन करेंगे। आप लॉग इन करने के बाद देखेंगे आपका जो है ना राइट हैंड साइड ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम लिखा हुआ रहता है। और वहां पे जो है ना आप जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो है ना थर्ड नंबर पर रजिस्टर्ड एंड अपडेट जीएससी लिखा रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप जब क्लिक करेंगे तो फिर जो है ना एक विंडो ओपन होगा। वो विंडो ओपन होने के बाद जो है ना आप देखेंगे कि जो है ना यहाँ पे लिखा रहता है क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन ऑन इंस्टॉलिंग सिंगल यूटिलिटी। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो है ना यहाँ क्लिक होने के बाद फिर से जो है ना एक विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होने के बाद इसका जो है ना डॉक सिंगर के नाम से विंडो डॉक्यूमेंट होगा, जिसको आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट सिंगर इंस्टॉलर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है ना उसके अनुसार यहाँ पे डाउनलोड देने करने की जो है ना प्रोविजन है। तो जैसे विंडोज है, विंडोज के लिए अलग से डाउनलोड करने का है, लिनक्स है उसके लिए अलग से है, और मैकिंटोश है जो उसके लिए अलग से है। तो मैक्सिमम कंप्यूटर में जो है ना विंडोज का जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फिर आते हैं हम लोग देखते हैं इसको जो है ना कैसे जो है ना इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज के लिए हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक जो है ना तो फिर से एक विंडो ओपन होगा। इस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपका जो है ना डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। डाउनलोड जब शुरू हो जाता है तो फिर जब आप जो है ना आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे डाउनलोड होने के बाद, तो ये emsinger.msi नाम का एक जो है ना आपको फोल्डर आएगा। आप इस फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे जो है ना, तो क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है ना एक विंडो ओपन होगा। और इसको आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जो डबल क्लिक करने के बाद देखेंगे कि एक विंडो ओपन होगा इस तरह का, जो है ना emsinger सेटअप जो है ना नाम का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा कि नेक्स्ट, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो जो है ना फिर जो है ना ये नेक्स्ट करने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जहाँ पे आपका डाउनलोड सेक्शन है वहां पे जाएंगे तो फिर वह, या तो फिर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे कि यहाँ पे ओपन जिसमें जो ना डाउनलोड होता है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जहाँ पे आपको जो है ना ओपन करने का सेक्शन आएगा और वहां पे जो ना ओपन करेंगे तो इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये emsinger का सेटअप का जो है ना अगेन जो है ना एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस जो है ना बॉक्स को जो है ना आप फिर से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो है ना यहाँ पे जो है ना एक अगेन जो है ना एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा नीचे यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए इंस्टॉल। जब यहाँ पे आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन होना चालू हो जाता है। जब यहाँ पे चालू हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बैक, नेक्स्ट, कैंसिल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंस्टॉल होते रहना देना है। जब देखेंगे कि इस तरह का इंस्टॉल हो जाने के बाद इस तरह का एक कंप्लीटिंग द emsinger सेटअप विजार्ड, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास। और इस डायलॉग बॉक्स पर लिखा होगा बैक, फिनिश, कैंसिल। तो आप फिनिश को यहाँ पर क्लिक करना है। जब फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, आपको जो है ना डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पर अगर दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो आपको जो ना सर्च बॉक्स में जाना, सर्च में जाके जो है ना emsinger आप डालेंगे तो एक जो है ना आपको आपको वहां पे
दिखेगा जो है ना एम सिंगर का टैब, तो एम सिंगर को वहां पर रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। रन होना जब शुरू हो जाएगा तो फिर जो है ना आपका एक एम सिंगर का इस तरह से बॉक्स आएगा और या इसमें एक मैसेज आएगा एम सिंगर सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुल्ली, और इसको क्लिक जब करेंगे तो ये सक्सेसफुल्ली जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा और जो ना आपका वर्क करने लगा। तो फिर एक बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा होगा डिजिटल सिग्नेचर जो है ना डिजिटल सिग्नेचर सिंगर, इस तरह का एक बॉक्स आएगा। इसमें हाइड सर्विस और स्टॉप सर्विस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइड सर्विस कर देना है या तो स्टॉप सर्विस करेंगे तो अगर वर्क करंट में वर्क नहीं करना है तो स्टॉप सर्विस भी कर सकते हैं। अगर जो है ना करंट में वर्क करना है तो हाइड सर्विस कर दीजिए। इस ये तो आपका जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। सॉफ्टवेयर एम सिंगर जो है ना इंस्टॉल होने के बाद जो है ना अब हम आते हैं कि डीएससी रजिस्टर करेंगे कैसे। जो है अब डीएससी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो है क्या, जो आपको पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे आने के बाद जो है ना आप सब जो है ना इसका प्रोसेस चालू करना। तब सबसे पहले देखते हैं डीएससी मैंडेटरी है किसके लिए। अगर टैक्स पेयर जो है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, फॉरेन लिमिटेड पार्टनरशिप है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इन सब भी को जो है डीएससी के थ्रू ही रिटर्न फाइल करना होगा, अदरवाइज इनका रिटर्न फाइल नहीं होगा। ये जो चाहेंगे जो है ना ईवीएम के थ्रू या ओटीपी के थ्रू, आधार कार्ड का ओटीपी के थ्रू हम कर ले तो ऐसा इनका नहीं होगा। तो आप फिर देखते हैं रजिस्टर हम कैसे करते हैं। तो रजिस्टर करने का यहाँ पे दो प्रोसेस दिया। एक जो है ना न्यू रजिस्टर, न्यू रजिस्टर जो किया हुआ है तो जो है ना सपोज की वो रजिस्टर तो जो है ना कर लिया है, लेकिन उसका जो है ना रजिस्टर नंबर कुछ आया नहीं है अभी। तो उसके लिए क्या क्या, जो उसको हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसको टीआरएन नंबर आता है वो डालते हैं। जब वो डालते हैं यहाँ पे तो वो डालने के बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद जो है ना जब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे उनके मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी आता है और दोनों का ओटीपी सेम होता है। तो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना प्रोसीड करते हैं। जब प्रोसीड करते हैं तो फिर जो है ना ये आगे आ जाती है और ये सर्विस सेक्शन में जाके आप देखेंगे यहाँ पे सर्विस में जाके आप जब देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड में जो है ना रजिस्टर्ड और अपडेट जो है ना डीएससी कमांड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद अगेन है कि जो रजिस्ट्रेशन जिसका हो चुका है और जीएसटी नंबर भी जो है ना जीएसटी नंबर जो है ना उसका भी मिल चुका है, जीएसटी का जो है ना टिन नंबर जो है ना, तो उसके लिए भी जो है ना यहाँ से चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे है कि रजिस्टर्ड और अपडेट डीएससी कमांड है, तो फिर यहाँ से भी इसके लिए भी जो सेकेंड प्रोसेस है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए भी यहाँ से सेम प्रोसेस है। तो इनकेस ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्टर लॉग इन, हम जीएसटी को जो है ना पोर्टल पर लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद राइट हैंड में जाते हैं, राइट हैंड में देखते हैं अपना मैप प्रोफाइल लिखा हुआ है जो है ना। मैप प्रोफाइल में जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपका जो है ना यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर दिखेगा, आपका प्लेस एरिया सब लिखा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे रजिस्टर और अपडेट डीएससी लिखा हुआ है। अब जो है ना इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो है ना एक कॉलम होता है जो है ना, वहां पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखेंगे कि आप जितने भी डायरेक्टर हैं जो है ना और पैन कार्ड से जो है ना पैन नंबर से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उनका यहाँ पे नेम आता है और साथ में पैन नंबर भी आता है। तो जिसका जिस नाम से का डीएससी आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नेम के डायरेक्टर के यहाँ पे विथ पैन नंबर दिया होता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक टिक मार्क का ऑप्शन होता है जो ना आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द सिंगर,
इसको टिक मार्क कर देंगे तो, और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, बॉक्स ओपन में जो है ना उसमें लिखा होगा डिजिटल सिग्नेचर फिंगर, इस तरह का लिखा होता है। तो आप जो है ना फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो है ना जिसका आप DSC डाले हैं और पैन नंबर है दोनों का मैच करेगा आपका जो है, तो यहाँ पे पैन नंबर आएगा, इस सिंगर मॉडल आएगा, उसका सीरियल नंबर आएगा, डेट आएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो टैब दिखेगा आपको, तीन टैब, एक तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल का है और राइट हैंड में दो टैब दिखेगा, एक व्यू कार्ड, एक व्यू सर्टिफिकेट दिखेगा, साइन का सर्टिफिकेट दिखेगा। साइन पे यहाँ पे क्लिक करना, जब यहाँ पे साइन पर क्लिक करेंगे तो जो है ना एक मैसेज आएगा कि जो है ना योर DSC हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मीन्स आपका DSC जो है ना सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होगा। अगर रजिस्टर्ड या पैन नंबर आपका जो है ना डायरेक्टर का उसका और DSC का पैन नंबर नहीं मैच करेगा तो फिर यहाँ पे आपका एरर आएगा, इसलिए अगर जो आप चेक कर लेंगे जो ना रजिस्टर्ड करते समय कि जो ना उस पैन नंबर डायरेक्टर का जो रजिस्टर्ड डायरेक्टर है उसका, यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पोर्टल पे जो है ना DSC पोर्टल पे जिस डायरेक्टर का नाम रजिस्टर्ड और विद पैन नंबर उसका और DSC का पैन नंबर दोनों का मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप साइन करेंगे तो ये मैसेज आएगा और यहाँ आपका DSC जो है ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।